फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा किंडरगार्टन। फ्रेंड्स, मम्मा किंडरगार्टन में आज मैं शेयर कर रही हूँ 5 ऐसी फर्स्ट एड होम रेमेडी जिनका यूज़ करके हम बच्चों की चोट को, छोटे मोटे जख्मों को या छोटे छोटे मोटे एक्सीडेंट जो घर पे खेलते हुए बच्चों के साथ हो जाते हैं, इन होम रेमेडीज़ को यूज़ में लेके हम इनिशियली उनको ट्रीट कर पाएंगे। तो पहली होम रेमेडी जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है स्क्रैप्स एंड बाउंस। कई बार बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, कहीं कोई घाव हो, चोट हो, जहाँ पे ब्लीड हो रहा हो, तो आप उस चोट को गुनगुने पानी में हल्का सा एंटीसेप्टिक डेटॉल मिला दीजिए या सेवलॉन मिला दीजिए। उस पानी को आप वहाँ पे पानी को बहाइए और कुछ देर उसको बहते पानी में छोड़िए। लाइक गुनगुने पानी को आप किसी बर्तन में तैयार कर लीजिए एंटीसेप्टिक डाल के, और उसको किसी ग्लास से या मग से बच्चे की चोट पे डालिए आप, जिससे कि वो कोई गंदगी या इन्फेक्शन या जर्म्स होंगे तो वो बह जाएंगे और वो जो एरिया है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में आप चाहे तो कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, या फिर एक बहुत ही बेहतरीन घर पे बनाई हुई ऐसी क्रीम है जो मैं पर्सनली बहुत प्रेफर करती हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखा के गए थे। हल्दी आप सभी जानते होंगे, बहुत ही एंटीसेप्टिक गुण होते हैं उसमें, और किसी भी तरह का घाव हो, कैसी भी चोट हो, उसे भरने में वो लाजवाब है। तो ऐसी ही एक क्रीम बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए हल्दी, हल्दी पाउडर और घी। अगर घर का बना देसी घी हो तो और भी अच्छा। तो यहाँ एक फ्राई पैन में मैंने 1 टीस्पून घी लिया है, जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। जैसे ही घी गर्म हुआ है, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी ऐड की है। आप देख सकते हैं अभी ये वाटर कंसिस्टेंसी में है। अगर ऐसा हो तो आप हल्दी और ऐड कर लीजिए। लगभग 1.5 से 2 चम्मच के करीबन यहाँ पे हल्दी ऐड करने के बाद में इसकी एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है, थिक सी कंसिस्टेंसी, जिससे हम इसे अच्छे से स्टोर कर पाएँ। तो यहाँ पे हमारी टर्मरिक क्रीम बनके एकदम तैयार हो चुकी है। इस तरह की टर्मरिक क्रीम बना के आप छोटी सी डब्बी में भर के रख सकते हैं, और जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े, चाहे बच्चों को चाहे बड़ों को, आप इसे अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है, ना ही कोई इसके साइड इफ़ेक्ट है। इवन इसे किसी भी चोट के जो निशान होते हैं वो भी नहीं रहते हैं। मैं हमेशा इसे प्रेफर करती हूँ, हमेशा अपने घर में इसे बना के रखती हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माइनर बर्न की। कई बार बच्चे खेलते खेलते किचन में एंटर हो जाते हैं, कई बार प्रेस को हाथ लगा लेते हैं प्रेस करते हुए, कई बार किचन में आके मम्मी के साथ में बात करते हुए किसी गर्म चीज़ को पकड़ लेते हैं। अगर इस तरह की कोई इशू आ जाए आप लोगों के साथ में, माइनर सा बर्न हो बच्चों को, तो बच्चों का जो भी इन्फेक्टेड एरिया है, जहाँ भी बच्चों को चोट लगी है या फिर जला है हल्का सा, उस एरिया को आप रनिंग कोल्ड वाटर टैप के नीचे रख लीजिए। अगर नल में ठंडा पानी नहीं आ रहा है तो किसी बर्तन में ठंडा पानी लीजिए और उसे उसके ऊपर सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने चोट पे डाला था उसी तरह से उसे लगातार 4 से 5 मिनट के लिए आप बहते पानी में रखिए। इसके अलावा आप उस पर, अगर आपके पास एलोवेरा अवेलेबल है तो एलोवेरा अप्लाई कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, शहद अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा कच्चा आलू होता है, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस फर्स्ट रेमेडी की हम बात करने वाले हैं वो इशू है ब्लीडिंग नोज का, या कहें नक्सीर आना। फ्रेंड्स, गर्मियों में ये समस्या बहुत ही आम है और सामान्यतः बच्चों में ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चों को नक्सीर की समस्या सामान्यतः गर्मियों में रहती ही है। अगर आपके बच्चे को भी ऐसी समस्या है तो ऐसी स्थिति में क्या करें? जैसे ही बच्चे को नक्सीर आने लगे या उसकी नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो, उसे सबसे पहले तो आप बिना तकिए के लेटा दीजिए। उसके बाद में जो उसके दोनों नॉस्ट्रिल होते हैं वहाँ पे एक मोटी सी रुई या फिर कोई टिश्यू ले लीजिए, जिससे उसके दोनों नॉस्ट्रिल आप ब्लॉक कर दीजिए ताकि जो खून का बहाव है वो रुक जाएगा। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, उसके जो बाल होते हैं सिर, उन्हें ठंडे पानी से गीला कर दीजिए और उसे लगभग 10 से 15 मिनट उसे वहाँ पर लेटे रहने दीजिए। इसके साथ साथ ही आप ऐसी क्या रेमेडी करेंगे नक्सीर की समस्या हो ही ना, तो उसके लिए आप बच्चों को मुनक्का दे सकते हैं। लगभग महीना भर के लिए आप बच्चों को सुबह सुबह भीगे हुए मुनक्का अपनी डाइट में इंक्लूड करवाएं, बच्चों को कोकोनट वाटर दें, ऐसी सब चीज़ें इंक्लूड करें उनकी डाइट में जिससे बॉडी में ठंडक रहे। फोर्थ रेमेडी जो मैं बताने वाली हूँ वो भी बच्चों के साथ में प्रॉब्लम आती रहती है। बच्चे अधिकतर खेलते हुए गिरते रहते हैं और कई बार उनके मुँह के अंदर भी खून आने लग जाता है। अब एक्सटर्नल एरिया पर तो हम दवाई अप्लाई कर देते हैं, बट मुँह के अंदर कोई चोट लग जाए तो वहाँ दवाई अप्लाई करना
प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आप बच्चे को थोड़ी शक्कर खिला दीजिए। जी हाँ, आप बच्चे के मुंह में शक्कर डाल दीजिए, उसे बच्चा राजी राजी खा लेगा और खुशी खुशी खाने के बाद ही कुछ समय में आप देखेंगे जो ब्लीडिंग है वो ऑटोमेटिकली रुक गई है। अगर फिर भी चोट गहरी है तो ऐसी स्थिति में आप हल्दी उसके मुंह के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हल्दी तो बहुत एंटीसेप्टिक होती है और उसे बॉडी के किसी भी पार्ट पे अप्लाई किया जा सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही कॉमन सी समस्या जो है खांसी जुकाम की। वैसे तो खांसी जुकाम के लिए अनेकों उपाय हैं, पर जो मैं उपाय सजेस्ट कर रही हूँ वो इतना आसान उपाय है और बच्चे उसे खुशी खुशी ले लेंगे। तो उस उपाय के लिए हमें बनाना होगा अनार का जूस। लगभग एक अनार का हम जूस निकाल लेंगे और साथ ही हमें चाहिएगा नॉर्मल वाटर और गुड़। तो हम जितना अनार का जूस हमारे पास में है उतना ही पानी हम गैस पे गर्म होने चढ़ा देंगे। गैस में लगभग एक टीस्पून के करीबन हम गुड़ ऐड कर देंगे। जब तक गुड़ और पानी अच्छे से बॉइल्ड हो जाएगा उस मोमेंट पे हम हल्की सी काली मिर्च डाल देंगे। मात्र चुटकी भर काली मिर्च आपको ऐड करनी है उसमें, और लास्ट में हम अनार का जूस डाल के एक बॉइल ले लेंगे और बस बच्चे को पिला देंगे। एकदम तेज गर्म नहीं पिलाना है, लुक वार्म हो जाए गुनगुना तब आप बच्चे को पिला दीजिए। दिन भर में आप किसी भी समय बच्चे को पिला सकते हैं, बट मेक श्योर इसे पीने के बाद एटलीस्ट घंटे भर तक बच्चा ऊपर से पानी ना पिए। फ्रेंड्स, ये रेमेडी पर्सनली मेरे लिए बहुत काम करती है। मेरे बच्चे को जब भी हल्का सा खांसी जुकाम का मुझे लगता है, इनिशियल स्टेज में ही अगर मैं ये उपाय कर देती हूँ तो वो स्थिति आगे नहीं बढ़ती है और केवल एक उपाय में ही मुझे रिलीफ मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बिजी होते हैं और इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि बच्चे को जुकाम के सिम्टम्स हमें दे रहा है। तो इस उपाय को लगभग एक दो दिन कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो भी रिलीफ मिल जाता है। और इस उपाय का कोई उपाय नहीं है। अनार का तो आपको पता ही है, एक अनार 100 बीमारियों पर काम करता है। साथ ही गुड़ जो है वो भी खांसी में बहुत इफेक्टिव होता है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय।